हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑक्साजोलिडिनोन एंटीबायोटिक्स के बारे में। दीज एंटीबायोटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जो भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं जहां पर अवेलेबल जो एंटीबायोटिक्स है, अगर उनसे वो डिजीज ठीक नहीं हो पा रही है तो लास्ट रिसोर्ट हमारे पास में यही एंटीबायोटिक्स बचती हैं, ऑक्साजोलिडिनोन एंटीबायोटिक, जो कि रिसेंटली ही डिस्कवर्ड हुई है। ओके, सो सबसे पहले हम इनको देखते हैं, इनका क्लासिफिकेशन इनका क्या है। सो हमारे पास में जो ड्रग्स हैं, देखिए वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं। दीज आर टेडीजोलिड, रेडीजोलिड, रैनबेजोलिड, सूटेजोलिड, पॉसीजोलिड एंड लीनेजोलिड। ओके, सो देखिए इनको किस तरह से हम याद कर सकते हैं, जस्ट वन मिनट। ओके, सो देखिए इनको किस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। इसके लिए हमारे पास में याद रखने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है, किस तरह से हम एक कहानी के थ्रू इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए हमारे पास में क्या है, एक टेडी है, दिस इज द टेडी, ये हमारे पास में क्या है, टेडी है। ओके, टेडी क्या कर रखा है, इसने रेड कलर का सूट पहन रखा है। टेडी वियर्स रेड कलर सूट। ओके, टेडी ने क्या कर रखा है, रेड कलर का सूट पहन रखा है एंड ही वॉन्ट्स टू मीट रणबीर कपूर। वो किससे मिलना चाहता है, वो किससे मिलना चाहता है, रणबीर कपूर से मिलना चाहता है। ओके, टेडी वांट्स टू मीट रणबीर कपूर। ओके, लुक एट दिस, टेडी वांट्स टू मीट रणबीर कपूर। सो रणबीर कपूर से क्या हो जाएगा, रैनबेजोलिड हो जाएगा। बट क्योंकि रणबीर कपूर से मिलना आसान नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां उससे मिलने के लिए बहुत सारी लाइन लगी हुई है, उससे मिलने के लिए क्या लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। तो जब डैडी रणबीर कपूर से मिलने जाता है तो लाइन में लग जाता है, सो लाइन जॉलिड हो जाता है। बट शाम हो जाती है तो उसके दिमाग में एक प्रश्न आता है, इज इट पॉसिबल। ओके, सो इस तरह से आप इस कहानी के थ्रू सारे कंपाउंड इसमें से लर्न कर सकते हैं। सो नाउ फ्रॉम दीज कंपाउंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लीनेजोलिड। ओके, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे, लीनेजोलिड को डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो नाउ लुक एट हियर, लीनेजोलिड का हम स्पेक्ट्रम देखते हैं, क्या इनका स्पेक्ट्रम है। सो द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस बैक्टीरिया इज पर्टिकुलरली ग्राम पॉजिटिव कोकाइस। ओके, सो this is useful for MRSA, then VRSA and VRE. MRSA means methicillin resistant staphylococcus aureus, vancomycin resistant staphylococcus aureus and vancomycin resistant enterococci. Okay, for these bacteria this is also useful. इस पर इसका स्पेक्ट्रम है, means यहाँ पर जो लीनेजोलिड है वो सेंसिटिव है, ये बैक्टीरिया सारे जो रेजिस्टेंट कर चुके हैं उसके अगेंस्ट में सेंसिटिव है। वन मोर अदर बैक्टीरिया इज बी फ्रेजिलिस। दिस बैक्टीरिया आल्सो हैज अफेक्टेड बाय लीनेजोलिड। सो इन सभी बैक्टीरिया पर जो है लीनेजोलिड का कवरेज है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस कंपाउंड का क्या है। सो द कंपाउंड इज प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। इट इज व्हाट, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। सो द ड्रग इज बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक, बट द ड्रग इज बैक्टीरिसाइडल फॉर सम ऑफ द बैक्टीरिया।
So one of the bacteria is bactericidal for B. fragilis. B. fragilis के अगेंस्ट में जो ड्रग है वो क्या है, bactericidal है. क्लियर? सो आपको बैक्टीरिया भी याद रखना है कि कौन से बैक्टीरिया के अगेंस्ट में साइडल है. ओके, सो नाउ अगर हम इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा और डिटेल में देखें, सो जो ड्रग है लिनेजोलिड वो कहां पर बाइंड करती हैं. देखिए ये हमारे पास में क्या है, दिस इज व्हाट मैसेंजर आरएनए, दिस इज व्हाट मैसेंजर आरएनए. ओके, एंड हियर वी हैव 50S एंड 30S राइबोसोमल यूनिट. सो ई पी एंड एस साइट्स वी हैव. सो जो लिनेजोलिड जो है वो 50S राइबोसोम की 23S यूनिट पर बाइंड करते. इट बाइंड विद 23S सब यूनिट ऑफ फिफ्टी एस राइबोसोमल यूनिट. ओके, यहां पर बाइंड करके क्या करेंगी, ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का इनिशिएशन प्रोसेस है उसी को ही ब्लॉक कर देगी. सो दे ब्लॉक इनिशिएशन प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, सो यहां पर जो टीआरएनए है, टीआरएनए जो फॉर्मल मिथियोनिन लेकर आ रहा है, इट इज कमिंग विद फॉर्मल मिथियोनिन एंड फॉर्मल मिथियोनिन विल बाइंड विद द ए साइट. So, वहां पर इसकी बाइंडिंग जो इनिशिएशन प्रोसेस है वही नहीं होगा, तो जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो फर्स्ट स्टेप है उसी को ही ब्लॉक कर देंगे. सो द ड्रग इज बेसिकली बैक्टीरियोस्टेटिक और प्रोटीन सिंथेसिस का इनहिबिशन करती है. ओके एवरीवन, सो नाउ लुकिंग ऑन द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स ऑफ लिनेजोलिड, so it is rapidly absorbed drug, rapid absorption, and it has a t half of almost 5 hours. okay, t half जो है इसका वो कितना है, 5 hours के आसपास है. and जो root है इसका वो दोनों ही root से हम देते हैं, means we are giving by oral as well as IV. okay, we are giving oral as well as IV. and जो excretion है drug का, it is excreted by urine route. urine के through ये excrete होती है. okay everyone, so now moving on its adverse drug reactions. So, इसकी एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या क्या है वो देखते हैं. सो नोटेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आर व्हाट, वन इज इसको आसानी से हम याद रख सकते हैं, हमारे पास है नोटा. व्हाट नोटा, नोटा वर्ड से आप इसको याद रख सकते हैं, एन ओ टी ए. ओके, सो एन ओ टी ए नोटा वर्ड आपको पता है, जब हम वोट डालने जाते हैं तो वहां एक ऑप्शन ही होता है, नोटा को भी हम वोट कर सकते हैं. ओके, सो एन फॉर न्यूट्रोपीनिया. ओके, ओ फॉर ऑप्टिक न्यूरोपैथी. टी फॉर टेस्ट डिस्टर्बेंस. A for anemia,
एब्डोमिनल पेन, ओके, सो दीज आर इट्स एडवर्स इवेंट। एडवर्स इवेंट को हम इस तरह से याद रख सकते हैं, यहां ऑप्टिक न्यूरोपैथी के साथ साथ पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी ये कॉज करता है, दिस इज ऑल्सो कॉजिंग व्हाट, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ऑन लॉन्ग टर्म यूजेस, ओके, एंड द शॉर्ट टर्म, ऑन शॉर्ट टर्म यूजेस इट ऑल्सो कॉज लाइक नॉजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया, ओके, सो इट इज ऑल्सो कॉजिंग वॉट, नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया। सो नोटा से आप याद रख सकते हैं इसके यूजेस, क्लियर एवरी वन। नाउ मूविंग ऑन यूजेस, यूजेस हम देखते हैं, ओके, सो यूजेस को भी आप बहुत आसान से याद रख सकते हैं। किस तरह से याद रखेंगे, एक हमारे पास में ट्रिक है इसकी याद रखने की, वो किस तरह से रखेंगे, सेव वेरी वेरी पावरफुल मैन फाइटिंग इन रेसलिंग, ओके, यहां पर आप देखिए रेसलिंग, आपको पता है WWF होती है, तो रेसलिंग में जो है हमको पावरफुल मैन को क्या करना होता है, सेव करना होता है, तो इस ये पंच लाइन है, इससे आप इसको याद रख सकते हैं। S4 हो जाएगा हमारे पास में, दिस इज दिस S4 स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इंफेक्शन, this very means VRSA, this very means VRE infections, VRSA infections and VRE infections means vancomycin resistant staphylococcus aureus का जो infection है वहां पर use आ रही है, और enterococci जो कि vancomycin resistance है वहां पर use आ रही है। powerful, powerful, powerful से आपको याद हो जाएगा निमोनिया, निमोनिया के केसेस में यूज कर रहे हैं, कहां, कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, ओके, मैन फॉर मैनिंजाइटिस, मैन फॉर मैनिंजाइटिस, फाइटिंग मीन्स फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया में यूज आ जाएगा, एंड इन मीन्स इन्फेक्शन ऑफ आई, इन्फेक्शन ऑफ आई, एंड रेसलिंग मीन्स wound infections, wrestling means wound infections, clear everyone, so ye wound infection mein use aayega, okay, so save very very powerful man fighting in wrestling, se aap kya yaad rakh sakte hain ki ye skin and soft tissue infection mein kaam aa raha hai, VRSA mein use aa raha hai, VRE mein aa raha hai, pneumonia, community and हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में काम आ रहा है, मेनिनजाइटिस में काम आ रहा है, फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया, फाइटिंग मींस इन मींस इंफेक्शन ऑफ आई, एंड वुंड इंफेक्शन मींस रेसलिंग। सो ये सारे यूजेस आप इसको बहुत आसान ट्रिक से लर्न कर सकते हो। एक और इसमें लाइनेज ऑलेट में जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको क्या याद रखनी है, लाइनेज ऑलेट इट इज अ मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ओके, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है,
तो मोनो ये लाइन है सॉलिड को हम कोई भी पेशेंट जो एस एस आर आई ले रहा है, सो यहां पर आप कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं इसके। अब अगर कोई एस एस आर आई ले रहा है, सेलेक्टिव सेरेटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर ले रहा है, या फिर एस एस आर आई या फिर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ले रहा है, टीसीआई ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ले रहा है, ओके ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स ले रहा है, तो उसके साथ में लिनेजोलिड जो है नहीं देना है, लिनेजोलिड शुड नॉट गिव। ओके, क्यों नहीं देना है? क्योंकि वहां पर सेरेटोनिन सिंड्रोम कॉज कर देगा, सेरेटोनिन का लेवल ये इंक्रीज कर देगा। अगर हम साथ में देते हैं तो क्या होगा, सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाएगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है लिनेजोलिड का, कि लिनेजोलिड एंटीबायोटिक तो है ही सही, ऑक्सैजोलिडिनॉन एंटीबायोटिक तो है ही सही, साथ के साथ में ये मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर भी है। ओके, और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड प्रेगनेंसी के केस में और चिल्ड्रंस के केस में भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, प्रेगनेंसी में भी हमें इसको नहीं देना चाहिए, कॉशियसली यूज करना चाहिए। ओके एवरीवन, हेलो, नाउ एवरीवन डिस्कसिंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑक्साजोलिडिनॉन डेरिवेटिव्स। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू स्टेटमेंट फॉर लिनेजोलिड, ए इट इज ऑक्साजोलिडिनॉन एंटीबायोटिक, बी इट इज अ लिंकोसेमाइड एंटीबायोटिक, सी इट इज अ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, डी इट इज अ अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। सो आई ऑलरेडी डिस्कस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द लेक्चर। सेकेंड, लिनेजोलिड इज PPAR गामा एगोनिस्ट, बी मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, सी HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर, डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर लिनेजोलिड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ए सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिशन, बी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन, सी बाइंड टू 30S राइबोसोमल यूनिट, डी बाइंड टू 50S राइबोसोमल यूनिट। सो पी ऑप्शन इज ए एंड सी आर करेक्ट, क्यू ऑप्शन इज बी एंड सी आर करेक्ट, आर ऑप्शन इज बी एंड डी आर करेक्ट, एंड एस ऑप्शन इज ए एंड डी आर करेक्ट। लिनेजोलिड यूज्ड फॉर ए कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, सी मैनिंजाइटिस, एंड डी ऑल ऑफ दीज। नाउ लास्ट क्वेश्चन, लिनेजोलिड साइड इफेक्ट इज कॉन्स्टिपेशन, ऑप्टिक न्यूरोपैथी, रेब्डोमायल्जिया एंड ऑल। ओके, सो ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई ऑलरेडी डिस्कस इन द लेक्चर, सो यू गो थ्रू विद द लेक्चर। ओके एवरीवन, होपफुली आपको ऑक्साजोलिडिनॉन एंटीबायोटिक्स जो है समझ में आ गया होगा यहाँ। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।